क्या आप भी फ्रॉक्स का बेस वेरिएंट खरीद के लेके आए हो जो कि आपको लगभग ऑन रोड जो इसका प्राइस है वो है 9,30,000। तो इस 9,30,000 के डब्बे में, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 9,30,000 का डब्बा मारुति आपको देती क्या है, 9,30,000 में सिर्फ खाली डब्बा देती है, उसमें ये सब चीज़ें देती है जो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन आपको देखो शौक तो आपका भी होगा कि भाई टॉप मॉडल में जो भी चीज़ें आती है वो आपकी गाड़ी में हो, तो कुछ हज़ार रुपये और ऊपर मिला करके क्यों ना अपनी गाड़ी को टॉप वेरिएंट बना लो। और टॉप वेरिएंट में आपको पता है ये कितना ज़्यादा डिफरेंस अगर आप शोरूम से खरीदते हो, बट क्यों खर्चने इतने पैसे, कुछ पैसे लाओ और अपनी गाड़ी को टॉप मॉडल में कन्वर्ट करो। देखो मेरे हाथ में कुछ सामान है इसका, ये इसका सेंटर कंसोल है, ये इसका सिस्टम के नाम पर के देखो ये सिर्फ ये डब्बा आता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपको लगा के देने वाले हैं, चाहे वो इसकी DRL लाइट्स हो, सिस्टम हो, अंदर सीट कवर हो, इंटीरियर का मुझे पता नहीं अभी होगा नहीं होगा, बट बहुत कुछ इसमें काम चल रहा है जो कि मैं अब आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये देखो काम कैसे शुरू हुआ है, पीछे तो हमने सारा कुछ माल इसमें भरी दिया। डैम्पिंग है यहाँ पर देख रहे हो जो कि गोल्ड सीरीज की डैम्पिंग यहाँ पर हो रही है। स्पीकर इसमें JBL के लगाए गए हैं और इसकी कनेक्टेड टेल लाइट जो कि यहाँ पर चेंज हो चुकी है या होनी है, हो चुकी है। तो भाई ने बता दिया कि भाई इसकी देखो कनेक्टेड टेल लाइट जो वो चेंज हो चुकी है, लेकिन आपको वर्किंग थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगा। कैमरा यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी कुछ इसमें रह गया है काम, आप अंदर है आपको दिखाऊं। ये देखो तो सिस्टम पूरा यहाँ पर लगाया जाएगा, पीछे AC वेंट काम नहीं करता इसका, इसका धनुष बाण देख रहे हो आप, तो ये निकाल लिया गया, नया लगाया गया है जिसमें से आपको फ्लो आए AC का और सर्दियों में हीटर का भी काम करेगी। बहुत कुछ अभी होने वाला है तो आप देखते रहना, आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला जो काम तो आनी आनी है। खाली डिब्बे में देखो हम लोग क्या लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं हम इंटीरियर जो कि बहुत ही शानदार रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट टच आपके डैशबोर्ड पे हो जाएगा और अलग पैनल्स पे हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो ट्विटर शैश जो कि ओरिजिनली टॉप मॉडल में ऐसा आता है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो इसकी रूफ लाइट है ये भी हम चेंज कर रहे हैं, और सबसे खूबसूरत इसकी है भाई DRL, ये आप देख सकते हो। और हमने इसकी जो डमी आती है यानी कि टेल लाइट वो भी निकाल के इसको चेंज कर दिया। तो याद है आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था कि 9,30,000 रुपए में आप क्या लेके आ रहे हो घर पे, डब्बा थी ये गाड़ी जब यहाँ पर आई थी, आपको दिखा दिया था। इसमें क्या ही देती है कंपनी, सिर्फ आपको चार टायर लगा दिए और अंदर को सीट्स लगा दी और आपको एक इंजन लगा करके रवाना कर देती है पैसे लेकर के। बट जब आप यहाँ पर गाड़ी लेके आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ डब्बा थी, लेकिन अब डब्बा नहीं है क्योंकि आपके सामने से इसका जो लुक है ना वो पूरी तरह से आप चेंज देख रहे हो। सबसे बड़ा चेंज इसकी DRL में आप देख रहे हो यहाँ पर, जो कंपनी ने दिया था, पता है वो क्या दिया था कंपनी ने, वो आपको दिखाता हूँ, वो देखने वाली चीज है। अगर आपके पास देखो बेस वेरिएंट है तो ये दिया था। अब ये डब्बा नहीं बोलो तो भाई क्या बोलो, सिर्फ इसमें हैलोजन बल्ब डाल दिया, हो गया काम खत्म, ठीक है। यानी कि 9,30,000 में ये सब छोटी छोटी चीज है। बल्ब ऐसा दे दिया था कि जिसके सामने मोमबत्ती की रोशनी आपको ज्यादा लगेगी, वो चेंज करके हमने इसमें LED लगा दिया, ठीक है। कितने वॉट के पिंटू हुए बताएंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप देख ही रहे हो सेटअप इसका पूरा। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन की भी बात करूंगा, जिस भाई को अगर यहाँ पर ग्लॉसी ग्रिल लगवानी हो तो वो भी अपने पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इसको चाहो तो आप इसको ग्लॉसी में कन्वर्ट करा सकते हो, वो भी एक क्लास लगेगा आपकी गाड़ी को देख करके। तो फ्रंट से तो आपने ये देख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें लगी है। एक चीज का ऑप्शन और होता है जब आप इसमें 360 लगवाते हो यानी कि कैमरा, तो उसकी प्लेसमेंट भी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। आज इस गाड़ी में नहीं है लेकिन आप इसमें ऑप्शन है आपके पास, आप लगवा सकते हो। और हमारी कई सारी गाड़ियों में आपने देखा, कई सारी जो वीडियोज बनी है उसमें आपने देखा हुआ। अब ले चलता हूँ थोड़ा सा साइड में दिखाता हूँ और कौन सी चीजें अपग्रेड करी हैं। पिंटू भैया कैसे हो आप? बढ़िया, हम तो दोबारा मिल रहे हैं, आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। पिंटू भैया देखो मैंने दो तीन चीजें बता दी क्योंकि आप थोड़ा सा बिजी थे। अब मुझे ये पूछना था इसमें कितने वाट की LED लगा? भैया 200 वाट की LED रहने वाली है, जिसका थ्रो मैं आपको अगर एक बार बोलो चेकआउट करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल हम एक बार थ्रो उसका चेकआउट कराते हैं। एक बार कैमरा जरा घुमा दो भाई उस तरफ और ये दिखाता हूँ। ये देखो तो ये देखो ये दीवार भी पास में है अभी, ठीक है। आ जाओ इस तरफ आ जाओ,
तो अच्छा भैया देखो मैंने ये भी दिखा दिया कि इसमें DRL लगा है, कंपनी ने क्या दिया था। हाँ, बिल्कुल, बाकी इसमें अपने पास ग्रिल का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, टॉप मॉडल वाला ग्रिल में अपने पास दो ऑप्शन है। अगर आपको टॉप मॉडल वाली ग्रिल चाहिए तो मारुति जेनवन टॉप मॉडल वाली ग्रिल भी मिल जाएगी, बाकी अगर इसी ग्रिल में आप हाइड्रो डिपिंग करवाएंगे तो हाइड्रो डिपिंग का भी अपने पास अवेलेबल है, सब कुछ अपने पास अवेलेबल है भाई। भैया अगर साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अपना मारुति जेनवन डायमंड कट अलाइबल रहने वाली है, जो कंपनी टॉप मॉडल में लगा कर देती है। इसका भी एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे फिटिंग वगैरह विद कैलिवर पेंट के साथ रहने वाला है ये। एक चीज और है, हाँ जी भैया, यहाँ पर ये क्या है भाई? ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मारुति की रहने वाली है ये नहीं भैया, अलाइबल मैंने लगा दिया, बाद में मैंने जेनवन की जगह पे मैंने लोकल वाला लगा दिया, ये सब स्कैम यहाँ पे नहीं होती है। अगर इसकी प्राइसिंग की भी हम बात करते हैं तो प्राइसिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, आप 15,000 16,000 17,000 की स्कैम में ना फंसे। अगर मारुति ओरिजिनल अलाइबल लगवाना है तो अपने पास आइए और बेस टू टॉप पे 20,000 रुपए में ओरिजिनल कैप के साथ लेके जाइए। 20,000 रुपए में ओरिजिनल कैप के साथ लेके जाओ। और जैसे भैया ने बोला स्कैम है, बिल्कुल, आप 14,000 15,000 16,000 सुनते हो और सुनते ही वहां पे चले जाते हो वीडियो देख के। बिल्कुल भाई, आप होता ही है भैया, वीडियो किसी ने खोली उसमें भाई अलॉय व्हील हम लगा रहे हैं आपको 16,000 रुपए में, कस्टमर कुछ नहीं सुनता, बोलता यार वहां तो 4,000 रुपए कम में लगा रहे हैं, कस्टमर दौड़ जाता वहां पर। बिल्कुल भाई ऐसा नहीं करना है, देखो अगर ये मार्केट में इसका प्राइस 16,000 ही होता तो भैया 20,000 का क्यों लगा? बिल्कुल, और मैं ये नहीं, मैं लगाया, मैं बोल भी रहा हूँ आपको भैया ये स्कैम है। अगर मैंने आपको 16,000 रुपए में अलाइबल लगा के दिया है तो मैं अदर चीज पे, जैसा स्क्रीन है 5,000 की जगह पे मैं आपसे 7,000 रुपए नहीं लूंगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस जो भी है मेरा, वो ओरिजिनल प्राइस मैं आपसे लूंगा। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है भैया? बाकी से बात करते हैं तो अपना ऑटो फोल्डिंग मिरर रहने वाली है, वन टच पे अपना फोल्डिंग रहने वाला है ये। ठीक है, ये भी हम दिखाएं एक बारी करके। ओ नाइस, ये देखो, ये देखो, तो ऑटो फोल्ड मिरर हो चुके हैं। बिल्कुल विद इंडिकेटर हो गया। बिल्कुल भैया, बाकी यहाँ से इंडिकेटर हटके यहाँ पे अपना साइड वेंट रहने वाला है। ठीक है, जो हाँ, पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइट लग गई तो देखो इधर की जरूरत है नहीं, और ये निशानी होती है कि आपने भी इस मॉडल खरीदा, बट उसको भी यहाँ पर छुपा दिया गया है पूरा का पूरा, कोई नहीं बोल सकता कि आपने कोई नीचे का वेरिएंट लिया है, बिल्कुल आपको ये टॉप मॉडल दिखाई देता है। ठीक है, बाकी इसमें बात करते हैं तो अपना साइड बीडिंग रहने वाली है, जो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसका भी फिनिशिंग वगैरह थोड़ा बारिश के मौसम के कारण ये थोड़ा ज्यादा गंदा हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, बाकी इसमें अपना विंडो गार्निश रहने वाली है। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर अपना रेन वाइजर रहने वाला है, बाकी इसकी हम बात करते हैं तो आफ्टर मार्केट रहने वाले। जिन भाइयों को अगर नेक्सा जेनवन चाहिए, नेक्सा जेनवन भी अपने पास अवेलेबल होती है। ठीक है, ठीक, बाकी इसमें हाफ क्रोम में अपना हैंडल क्रोम रहने वाली है, जो हाफ रहने वाली है। ठीक है, जिन भाइयों को अगर फुल चाहिए, फुल भी अपने पास अवेलेबल है, यानी कि हर स्टाइल में, लगभग तीन स्टाइल में मेरे ख्याल मिल रही है, है ना? बिल्कुल, ठीक है। बाकी इसमें अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले अपना कनेक्टिंग टेल लाइट, बहुत सुंदर, जो नेक्सा जेनवन रहने वाली है। इसकी भी प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं भैया, मेरे पास तो 2,2500 में टेल लाइट अवेलेबल नहीं है। अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो बेस टू टॉप पे मैं आपको 5,500 रुपए में लगा के दूंगा, और ओरिजिनल लगा के दूंगा, कहीं कोई स्कैम के चक्कर में ना पड़े। भैया मैंने तो सुना 1,500 रुपए में मिल रही है। भैया अपने पास 1,500 में कोई टेल लाइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्कैम वाली प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है भाई, देखो भैया ने कोई खोल के इसमें स्ट्रिप नहीं डाली, वरना आपको हम भी शायद आपको 1,500 में चिपका देते हैं। बिल्कुल भैया, ठीक है। बाकी इसमें बात करते हैं नीचे की, तो नीचे अपना रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स में रिफ्लेक्टर लाइट रहने वाली है। ठीक है, ये भी देख लो, वर्किंग आपने देख लिया इसका पूरा, इंडिकेटर पे, ब्रेक पे और पार्किंग पे, सब पे वर्क करता है। बाकी इसमें बात करते हैं तो नेक्सा जेनवन अपना डिग्गी क्रोम रहने वाला है। अगर इसकी प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो बेस्ट टू टॉप पे एज ए गिफ्ट आप लेके जाओ। क्या बात कर दी, ये लो भाई, तो जो चीज भैया दे सकते हैं गिफ्ट में वो चीज भैया आपको देंगे, तो बेस्ट टू टॉप कराओगे तो ये डिग्गी पत्ती जो है ये आप गिफ्ट में लेके जाओ। बिल्कुल, बाकी इसमें अपना कंपनी OM फिटमेंट वाला कैमरा रहने वाला है, इसका भी फिनिशिंग वगैरह एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जो मूविंग गाइडलाइन के साथ रहने वाले, जिसका क्लियरिटी मैं आगे आपको एक बार स्क्रीन में चेकआउट करवाऊंगा। ठीक है, और ऊपर भी हमने कुछ किया है इसमें भैया? ऊपर कंपनी की तरफ से रूफ लग के आती है, शार्क पिन एंटीना लग के आती है। ओके, ठीक है, तो जो चीजें ऊपर लग के आई वो आपने देख लिया, और ये बाहर का एक्सटीरियर हमने यहाँ पर सारा दिखा दिया है। अब अंदर चले भैया गाड़ी के? बिल्कुल भैया, अंदर चलो। चलो तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर और क्या क्या चीजें करी है। भैया अगर अंदर की बात करते हैं तो अंदर सबसे पहले अपना लग्जरियस सीट कवर और इंटीरियर एक बार देखो। ओ नाइस, एक बारी में थोड़ा सा इसको और वाइड एंगल पे डाल देता हूँ, और अब देखो आप, ये देखो पूरी फिल्म तो भाई पिंटू भैया अंदर से दिखाते हैं गाड़ी की, है भैया? बाकी इसमें अपने पास आमरेस्ट पे भी ऑप्शन होता है, लेकिन भैया ने लगवाए नहीं है, भैया कह रहे हैं भैया हमें कंपनी की ओरिजिनल बैक ही रहने दो, ब्लैक ही रहने दो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आमरेस्ट इसमें आता नहीं है, सेंटर कंसोल मैंने दिन के शॉट में दिखा दिया था, खाली डब्बा गाड़ी में कुछ भी नहीं था भैया, ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ना ऐसे सीट कवर थे, ना ऐसा सिस्टम लगा हुआ था,
ना ऐसा स्टेयरिंग भी नहीं था, ना ऐसा कुछ आपको आर्मरेस्ट मिला था, पीछे का एसी भी हमने वर्किंग करके दिया है, ठीक है। अब बाकी इसकी क्वालिटी आप देखो, सीट कवर की A1 क्वालिटी यहाँ पर भैया लगाते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज भैया करते नहीं है कभी भी। कोई भी चीज़ अगर उनको लगती है ना कि भाई ये चीज़ सही नहीं हो, तो उसी टाइम उसको उतरवा के रिप्लेस करवाते हैं और उसी को उस टाइम में सोल्यूशन उसका निकाल देते हैं। स्टेयरिंग भी देख रहा हूँ भैया, पूरा स्टेयरिंग चेंज हुआ है। हाँ जी भैया, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली स्टेयरिंग रहने वाली है। बाकी इसमें मैंने रूफ लाइट भी इंस्टॉल किया जो मारुति की जेन्युइन रहने वाली है, ठीक है। बाकी अपना इनर हैंडल रहने वाला है, ये देखो। तो इनर हैंडल तक भैया कंपनी प्लास्टिक के देती है, बिल्कुल भैया। उसको भैया ने यहाँ पर टॉप मॉडल वाला है। बाकी इसमें इंटीरियर किट रहने वाला है जो आप डोर में देख ही सकते हैं, पियानो फिनिशिंग के साथ रहने वाली है। वाह, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो बेजल बोलते हो, बेजल देख लो यहाँ पे देख सकते हो, तो पूरा ग्लॉसी में आपको फील मिल गया पूरा, यानी कि आपको टॉप मॉडल वाला फील यहाँ पर दिया जा रहा है। सॉफ्ट टच यहाँ पर कर दिया है और साथ में मैं देख रहा हूँ एम्बिएंट लाइट जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्या बात है भैया, गाड़ी यार सजाओ ना तो आपके पास लेके आना चाहिए, ठीक है। और ये आप देख सकते हमने ये अपने प्राउड ओनर ही बताएंगे, सही बात है। बाकी जो देखो इसमें मैंने सिस्टम वगैरह का भी काम किया हूँ, जो कंपोनेंट स्पीकर रहने वाली है, JBL का कोएक्सल भी रहने वाला है पीछे डोर में। बाकी जो मैंने इसमें ट्विटर फिटमेंट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कहीं से कोई कटिंग नहीं, ट्विटर सेस के साथ रहने वाली है। ये ओरिजिनल काम, यानी कि ओरिजिनल का काम चलाओ नहीं चिपकाया, ओरिजिनल काम यहाँ पर भैया ने किया है, ट्विटर सेस के साथ इसको लगा दिया, ये देख सकते हो प्रॉपर। वरना कई लोग क्या करते हैं इसके ऊपर स्पीकर फिट करके ले देते हैं, बाकी देखो अच्छा नहीं लगता। और बाकी एक चीज के कारण मैंने इसे भी नहीं छोड़ा, कंपनी जो टॉप मॉडल में देती है गियर नॉब, वो भी बेसिक इंस्टॉल कर दिया हूँ यहाँ पे, देखो कंपनी ये लगा के देती है, सही बात है। और ये देखो ये भैया ने लगाया है टॉप मॉडल वाला, ठीक है। और एक अच्छी बात यहाँ देखो, इसके ऊपर भी आपने कपड़ा लगा दिया, बिल्कुल भैया। ये हर कोई मार्केट में नहीं लगाता, इसको छोड़ देते हैं बोलते हैं ये होता नहीं है, है ना, जबकि सब होता है। अगर आप दुकान वाला करना चाहेगा तो सब होता है, सब कुछ होती है भैया। इंटीरियर का फिर मतलब ही नहीं है, इंटीरियर का तो मतलब ही नहीं है, सही बात बोलते हो। डैशबोर्ड पे भी अपना किट रहने वाला है, ठीक है। एक बारी मैं और अंदर से दिखाऊं। बाकी अगर डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड पे भी आप इंटीरियर देख ही सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग रहने वाली है अपना, ये देखो। तो स्टिचिंग के साथ में आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, बिल्कुल। बाकी अपना डैशबोर्ड किट भी रहने वाली है जो मारुति जेन्युइन रहने वाली है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। अपना एसी का भी ग्लॉसी रहने वाला है, वहां भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये देखो एसी वेंट के सराउंडिंग आप जो देख रहे हो ना ग्लॉसी, ये पूरा ये सब कुछ भैया ने लगाया है, बिल्कुल भैया, ओके। बाकी इसमें अपना फ्रंट USB भी रहने वाला है मारुति जेन्युइन, यहाँ पे एक बार आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरती से भैया फिनिशिंग के साथ काम किया है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो आर्मरेस्ट में आर्मरेस्ट भी लगी है मारुति जेन्युइन, बाकी इसमें अपना AC भी वर्किंग हुआ। और एक चीज इसमें और है जो बहुत सारे लोग यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते हैं, मैंने बैक में भी आर्मरेस्ट USB भी चालू किया है। अच्छा हाँ, ये देखो अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाऊं, ये देखो। तो USB भाई पीछे भी चालू हो चुके हैं, बिल्कुल भैया, कहीं से भी भैया कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, बस बजट आपका अच्छा होना चाहिए तो उसमें सब कुछ ही हो सकता है, क्यों भैया। बाकी नीचे अपना फ्लोरिंग हुआ है जो रेगिन रहने वाली है, आप देख ही सकते हो एक बार। बाकी भैया मैट भैया के पास था, भैया बोल रहे भैया मैट अभी रहने दो, बाकी अपने पास मैट वगैरह भी हर एक वैरायटी में अवेलेबल होता है, 3D से लेके और 9D तक, 11D तक सारा मैट अपने पास अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सारा काम आपके यहाँ पर हो चुका है, और कोई भी हमारा भाई जो ये वीडियो देख रहा है ना, वो यहाँ पर आ सकता है अपनी गाड़ी में ऐसा ही काम कराने के लिए, बिल्कुल भैया। कंप्लीट दिखा दिया हमने, आप एक बार ओनर से बात करें भैया, बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कारखाना में आप सबका। सर कहाँ से आए हो आप लोग, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ मैं। हम लोग बस्ती में रहते हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। ओके, दोनों जगह घर है जो कि यहाँ से काफी दूर है, गोरखपुर से सटा हुआ है, गोरखपुर के पास में है, बिल्कुल ठीक। सर आप सबका मैं नाम भी जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मुनीश प्रताप सिंह है। आपका नाम क्या भैया? रंजय प्रताप सिंह। अच्छा, तो सर देखो यहाँ पर आप कैसे पहुँचे? वीडियो देख करके आए थे भैया की, रैंडम आए थे, मार्केट सर्च करते हुए आए थे, कैसे पहुँचे थे? वीडियो भी देखे थे और बाकी एक तरह से आप लिंक में भी थे। ओके, जब यहाँ पर आए हमने तो कई दुकान देखा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते ही ये लगा कि बस सब बेकार है, बाकी यहीं पर ही काम करवाने के लायक है। इसका मतलब आप कंपेयर करके आए हो मार्केट में? जी जी, मैं पूरा मार्केट घुमा हूँ यहाँ। तो जब आप सर यहाँ से आप कहीं इससे पहले जहाँ पे गए थे, ठीक है, तो रेट इससे ज्यादा थे या कम दे रहे थे? वो रेट तो जो भी लगा रहे हो सारे सारे, ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन काम है और जो एक भरोसा है वो आपको ऑटो पर ही मिलेगा। वाह, ये बहुत अच्छी बात करी है जी। बाकी इनका काम कैसा लगा आपको? काम क्योंकि देखो अच्छा, पहले आपने ठीक है जो भी सुना होगा, लेकिन अब जब काम देखा अपनी गाड़ी में, खुद की गाड़ी तो में, बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, भैया उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। वाह भैया, इधर फेस करके स्माइल करो फिर एक बार। जैसे ये बेस टू टॉप करते हैं ना, हाँ, ये ऐसे करोल बाग में टॉप पर ही एकदम।
बिल्कुल, इनका इंटीरियर और इनके सीट कवर, इनको सीट कवर इंटीरियर किंग बोलते हैं इसीलिए करोल बाग। जी 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 भैया, ठीक है। तो बेस्ट काम अगर आपको यहाँ से कराना, देखो हम तो यही बोलते हैं, लेकिन हम कस्टमर से हर बार पूछते हैं कि आप लोग बताओ आपको इनका काम कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। कोई भी गाड़ी आई फैमिली में तो अब यही आनी है। वाह, ये तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। वाह वाह वाह। अच्छा सर देखो, सब कुछ हमें पता लग गया, बट फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी मेरे को। 10 में से अगर कुछ नंबर मांगे, कुछ रेटिंग। 10 out of 10। वाह सर, आप कितना दोगे? बिल्कुल 10। पूरे 10? भैया आप भी पूरे 10 दोगे? 10 10। वाह वाह वाह, तो पूरे नंबर यहाँ भैया को मिले, 30 नंबर मिल गए। पीछे से आवाज आई 30, तो 30 नंबर मिल गया भैया को। ओके अच्छा भैया देखो, सब कुछ आपने यहाँ पे कराया, ए टू जेड मैं बोलूंगा, शायद ही कुछ रह गया होगा जो ना हुआ हो, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट आपने सब करवा दिया। हम बताएं आपको, अगर यहाँ पर कुछ मिलता है ना ऑटो हब में, तो वह भरोसा है। वाह, जो सबसे जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आइए, आप निश्चिंत होकर के गाड़ी लेकर जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वाह अच्छा देखो, मेरे लास्ट के एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं। जब आप घर से चले होंगे ना गाड़ी लेने के बाद, तो एक प्लान करके गए होंगे कि यार इतना पैसा ले चलते, इतना तो लग ही जाएगा दिल्ली में जा रहे हैं तो। ठीक है, कितना सोच के आए थे? मैंने तो सोचा तकरीबन कम से कम 120 तो जाएगा ही जाएगा, 120 जाएगा। लेकिन भैया ने वो काम मेरा 95 में कंप्लीट कर दिया। मतलब आपने इनके 25,000 रुपए सेव कराए। जी बिल्कुल भैया, 25,000 सेव हो गए ना। जी जी, तो देखो थंबनेल में ये डलने वाला है, भाई भैया ने बचाए कस्टमर के 25,000 रुपए। बिल्कुल बचाया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग सामने सामने, आपने देखा कि कैसा काम हुआ है। और कोई भी गाड़ी आप यहाँ पर लेके आते हो, जैसे भैया के पास लेके आते हो, इंटीरियर वर्क हो एक्सटीरियर वर्क हो, सब कुछ अपने में ही ये परफेक्ट करके देते हैं। अच्छा भैया देखो, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि 9,30,000 के अराउंड ये गाड़ी पड़ती है। ठीक है, उसमें क्या मिल रहा है? डब्बा डमीज मिल रही है, कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना 60 में देते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने काफी कम करवा लिया। और वही ना सर देखो, आपको 95,000 रुपीज का बिल भैया ने यहाँ पर बनाया, जब जो मैं लेकर गया था, और अब में जो बेस टॉप वाला ना, बहुत कुछ फर्क आ गया। अब इसको चलाने भी मजा आएगा, बाकी बहुत सारे फीचर वगैरह भी एड हो गए हैं, डीआरएल भी एड हो गया है, मतलब एकदम टॉप वाला सब कुछ हो गया अभी इसके अंदर। ठीक है, तो आप मैं खुश होकर के जा रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो भाई, अगर आप लोगों को भी ऐसा काम कराना है अपनी गाड़ी में, तो आप आकर के यहाँ पर करा सकते हो पिंटू भैया के पास। पिंटू भैया का नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। शॉप में आपको दिखा देता हूँ, बरसात शुरू हो चुकी है, फिर भी आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखो ऑटो हब। तो इस बरसात में भीगने के लिए एक लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कारखाना को सब्सक्राइब नहीं किया।